Hello everyone and welcome back once again to the channel. And today we are going to discuss in English grammar the topic change the voice. Change the voice में आप सब जानते हैं कि हम कुछ categories discuss कर चुके हैं. Let's see कि हमारे आज के session में हम इनमें से कौन सी category discuss करेंगे. So today we are going to discuss imperative sentences. चलिए देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में कैसे वॉइस चेंज की जाती है. देखिए, जैसे हमने हमारे अर्लियर सेशंस में कुछ स्पेसिफिक रूल्स समझे हैं हर एक पर्टिकुलर सेंटेंस के रिगार्डिंग, तो इसमें भी हमारे पास कुछ स्पेसिफिक रूल है. लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के केस में जो हमें रूल्स बताए गए हैं वो एक्चुअली कुछ ऑप्शंस की फॉर्म में हैं कि हम ऑप्शन नंबर वन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर टू के अकॉर्डिंगली भी सॉल्व किया जा सकता है. तो चलिए देखते हैं कि हमें पहला ऑप्शन क्या दिया गया है. द पैसिव फॉर्म ऑफ सच सेंटेंसेस बिगिंस विद लेट एंड फॉलोइंग फॉर्मेशन इज फॉर्म्ड. तो देखो, जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, अब सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते कौन से. एक्चुअली ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें या तो आपको कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, या आपको कोई एडवाइस दी जा रही है, या आपसे कुछ रिक्वेस्ट की जा रही है. इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के कैटेगरी में आते होते हैं. और ज़्यादातर जो मैंने आपको ये ऑप्शन नंबर वन बताया है इसी के अकॉर्डिंगली इन्हें सॉल्व किया जाता है. तो देखो, ऑप्शन नंबर वन आपको क्या बता रहा है कि अगर हमें पैसिव वॉइस में इन्हें चेंज करना है तो हमें हमारे सेंटेंस को कौन से वर्ड से स्टार्ट करना है, लेट से. और फॉर्मेशन क्या होगी, कुछ इस तरह की. देखिए, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो हमें ऑलरेडी बता देती है कि हाँ भाई, अगर थर्ड फॉर्म है तो वो एक पैसिव वॉइस है. चलिए इसकी कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं. लेकिन उससे पहले, अगर बाई चांस आपको सेंटेंस नेगेटिव दिया हुआ आ गया, मतलब एक तो है कि भाई ऑर्डर का कोई काम करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन मान लो अगर कोई ऑर्डर ऐसा दिया जा रहा है जिसमें आपको किसी काम के लिए मना किया जा रहा है, रोका जा रहा है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको बीच में नॉट एडजस्ट करना पड़ेगा. तो वो कहाँ एडजस्ट करना है, तो वो आपको यहाँ दिख रहा है. चलिए देखते हैं अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल नंबर वन, हेल्प द नीडी. अब देखिए इसमें कैसे चेंज किया जाएगा. लेट, जो आपको मैंने बोला था कि सब्जेक्ट लेकर आइए, दैट मीन्स हेल्प द नीडी, जो आपको यहाँ पर दिया हुआ था, आपने उसी नीडी को यहाँ पर अपना सब्जेक्ट बनाना है. देन बी ऐड किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प की, हेल्प्ड होगी. नेक्स्ट, डू नॉट टीज द डॉग. अब इस केस में भी देखिए, आपको मना किया जा रहा है तो आपको बीच में नॉट एडजस्ट करना है. तो देखिए ये किस तरह से चेंज होगा, लेट द डॉग Not be teased. बड़ा ही ध्यान से समझिए, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, not to be teased इस तरीके से चेंज कर देते हैं, मतलब not के बाद to लगा देते हैं, फिर be लगा देते हैं. लेकिन आपको ये फॉर्मेशन जो बताई जा रही है उसका खास ध्यान रखना है कि किस तरह से हमें चेंजेस करने हैं. अगर हम आगे बढ़ें और हमारे स्पेसिफिक रूल को ही कॉन्टिन्यू करें, तो देखो ऑप्शन नंबर टू हमें क्या बताता है. जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में और मूव करोगे, आपको ऑप्शन नंबर वन के अलावा कुछ और ऑप्शंस भी बताए जाएंगे, जिसके अकॉर्डिंगली कहा जाएगा कि आप अगर चाहो तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को ऐसे भी चेंज कर सकते हो. तो आपको पता होना चाहिए कि क्या वो सही है या नहीं, तो उसकी फॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए. अब इस केस में देखिए क्या है, जिन बच्चों को थोड़ी बहुत नरेशन की, चेंज इन नरेशन की नॉलेज है, तो उन बच्चों को पता होगा कि हाँ उसमें भी एक ऐसा रूल आता होता है कि हाँ लेट को हमें शुड में बदलना होता है. तो अब ये जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है वो इसी चीज़ पर हमें आधारित है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग लेट इन पैसिव फॉर्म, शुड कैन बी यूज्ड. लेट की बजाय हम शुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन हमें याद क्या रखना है, रिमेंबर टू प्लेस शुड आफ्टर दी सब्जेक्ट. देखिए ऑप्शन नंबर वन में हमने लेट के बाद सब्जेक्ट को लिया था और फिर बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, लेकिन अब क्योंकि लेट की जगह पर हम शुड लेकर आ रहे हैं, शुड एक हेल्पिंग वर्ब है, तो इसलिए हमें इसको याद क्या रखना है कि जो शुड है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा. तो
तो फॉलोइंग फॉर्मेशन इज फॉलोड, सब्जेक्ट प्लस शुड और रेस्ट फॉर्मेशन वही है जो आपको ऑप्शन नंबर वन में दिखाई गई थी। सेम वही कंसेप्ट कि अगर नॉट वाला सेंटेंस आ जाए तो हमें नॉट कहाँ एडजस्ट करना है, नॉट एडजस्ट करना है शुड और बी के बीच में। अगर हम इसकी कुछ एग्जाम्पल देखें, अब देखिए ये जो एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ ये ऑप्शन नंबर वन के अकॉर्डिंगली भी हो सकती है और ऑप्शन नंबर टू जो मैंने अभी अभी आपको बताया इसके अकॉर्डिंगली तो हमने इसे सॉल्व किया ही, तो दोनों तरीके से ही ये ठीक है। अगर हम हमारे इसी ऑप्शन टू के अकॉर्डिंगली इसका आंसर देखें तो देखिए क्या आएगा, ओपन द डोर तो द डोर शुड बी ओपनड, लेट द डोर बी ओपनड भी ठीक है, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, अब नॉट वाला है तो देखिए क्या आएगा, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड ये भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे इन्हीं स्पेसिफिक रूल्स को आगे लेकर चलेंगे और देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन नंबर थ्री में क्या बताया गया है। देखिए अब इसमें क्या है, इन सेंटेंसेस विच शो ऑर्डर्स रिक्वेस्ट एक्सेट्रा अनदर फॉर्म कैन ऑल्सो बी यूज्ड। देखिए वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हमें कुछ ऑर्डर्स रिक्वेस्ट या एडवाइसेस वगैरह बताई गई हों, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, यहाँ है कि कई बार आपको अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए जो स्पेसिफिकली इसी बात की तरफ ही इशारा कर रहा है कि हाँ भाई आपको कुछ ऑर्डर दिया जा रहा है या रिक्वेस्ट की जा रही है, तो उस केस में लेट का इस्तेमाल करने की बजाय या शुड का इस्तेमाल करने की बजाय हम लोग कुछ इस तरह की फॉर्मेशंस भी यूज़ कर सकते हैं जिनमें हमारा सेंटेंस या तो यू आर रिक्वेस्टेड टू से शुरू होगा या यू आर ऑर्डर्ड टू से शुरू होगा या फिर यू आर एडवाइज्ड टू से शुरू होगा। लेकिन फिर से अगर मना किया जा रहा हो किसी काम को लेकर या रिक्वेस्ट मना किया जा रहा है या कोई ऑर्डर है जिसमें आपको मना किया जा रहा है या आपको कोई काम ना करने के लिए एडवाइस किया जा रहा है, तो देखिए नॉट कहाँ एडजस्ट करना है। रिमेंबर इन सच केसेस इफ़ नॉट इज़ टू बी यूज्ड देन प्लेस नॉट बिफोर टू। तो ये जो टू, ये जो लास्ट वर्ड आपको डॉट से पहले दिखाई दे रहा है, इससे पहले यानी कि रिक्वेस्टेड नॉट टू, ordered not to, advised not to, तो आपको यहाँ पर not adjust करना है by chance अगर आपको sentence not वाला आ जाता है तो। चलिए अब देखते हैं इसकी example। First sentence जो हमारे पास है वो है do not insult your elders। अब देखिए इसको किस तरह से solve किया जा सकता है। सबसे पहले जो option हमने अभी अभी देखा है अगर हम उसी के अकॉर्डिंगली इसे देखें समझें तो ये है यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, देखिए नॉट टू से पहले आ गया इंसल्ट योर एल्डर्स, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस को, क्योंकि देखिए इस सेंटेंस में ना हमें योर एल्डर्स दैट मींस एक ऐसा ऑब्जेक्ट ओरिजिनली हमारे सेंटेंस में दिया हुआ है जिसको अगर हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हम एज सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए इस सेंटेंस को हम चाहें तो हमारे पहले दो ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जो पहला सेंटेंस मैंने आपको यहाँ बबल में शो किया है ये आपको ऑप्शन नंबर टू के अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन बता रहा है और ये जो सेकंड वाला है ये आपको ऑप्शन नंबर वन के अकॉर्डिंगली बता रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या है ये आंसर्स, एल्डर्स should not be insulted by you ये भी ठीक है, let the elders not be insulted by you ये भी बिल्कुल ठीक है। चलिए एक और example देखते हैं ताकि आपको फ़र्क भी पता चले कि कब आप ऐसे अलग अलग options try कर सकते हो और कब नहीं कर सकते हो। देखिए जैसे ये एक sentence है sit down please, अब देखिए इस sentence में नहीं बताया हुआ है आपको कोई भी object, ये एक स्पेसिफिक ऐसा सेंटेंस है जिसमें सामने वाले को बैठने के लिए कहा जा रहा है, तो ऐसे सेंटेंस में अब क्योंकि प्लीज़ लिखा हुआ आ गया तो रिक्वेस्ट आ जाएगा, तो इसलिए इसमें आपने केवल और केवल इसी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना है जो आपको अभी इसी ऑप्शन में बताई गई है। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू
sit down. इस तरीके से इन सेंटेंसेस में चेंजेस किए जा सकते हैं. चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और है इसमें तो क्या है. ऑप्शन नंबर 4. अब ये क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है कि अगर आपको ऐसे सेंटेंस आ जाएं जो ऑलरेडी लेट से ही शुरू हो रहे हैं, दैट मीन्स इम्पेरेटिव वर्ड लेट से ही अगर सेंटेंस शुरू हो रहा हो तो क्या करना चाहिए. तो देखिए कोई चेंज नहीं है, जो हमने हमारे ऑप्शन नंबर 1 में फॉर्मेशन देखी थी सेम वही फॉर्मेशन है. लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो ऐसा कुछ भी चेंज नहीं है. चलिए देखें एग्जांपल. लेट मी ट्राई दिस क्वेश्चन. अब इस केस में क्या होगा? ऑल्दो इन सेंटेंसेस में ना मैंने मतलब जितना भी प्रैक्टिस की है इनके बारे में, इन्हें पढ़ा है समझा है, मैंने कुछ रिजल्ट तो ज़रूर निकाला है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी. लेकिन अभी फ़िलहाल अगर इसका आंसर देखें, मैं आपको बताऊँगी बहुत ही जल्द कि मैंने क्या वो सॉल्यूशन है, क्या वो रिज़ल्ट है जो निकाला है, जिसमें थोड़ी हमें आसानी भी हो जाएगी इन्हें सॉल्व करने में. तो देखो क्या है, सबसे पहले लेट हमने लिख दिया, लेट मी ट्राई दिस क्वेश्चन. तो ये जो दिस क्वेश्चन है ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, बी बीच में लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ट्राइड, बाय मी. अब देखो मैं आपको यही बात बताना चाहती हूँ, आधे से ज़्यादा बच्चे ये समझेंगे कि जब हमने स्टार्टिंग में इन सेशंस के बारे में मतलब एक्टिव पैसिव वॉइस को समझना शुरू किया था तो हमने ये समझा था कि आई को मी में और मी को आई में चेंज किया जाता है, लेकिन यहाँ तो किया नहीं है. तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लेट के साथ हमें जो शब्द दिया हुआ होगा, चाहे वो कोई प्रोनाउन है चाहे वो कोई स्पेसिफिक नाउन है, वो हमें हमारा पैसिव वॉइस में यूज़ किया जाने वाला ऑब्जेक्ट ही दिया हुआ होगा, हमें उसे चेंज नहीं करना है. चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं. लेट मी मेक अ कलर्ड रिबन फॉर योर हेयर. तो इस केस में देखिए क्या होगा, लेट. अब देखिए आपको ये ज़रूर पहचानना है कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट रिबन है. तो लेट अ कलर्ड रिबन, बीच में बी लगा, मेक मेड में चेंज हो गया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में, फॉर योर हेयर बाय मी. तो देखिए मी फिर से दोबारा से चेंज नहीं हुआ. तो ये कंसेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि आपने क्या याद रखना है कि लेट के साथ जो आपको ये शब्द दिया हुआ है इसको हमने चेंज नहीं करना है. तो आई होप कि हमारा आज के इस सेशन में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के रिगार्डिंग हमने जो समझा ये आपको बहुत ही आसानी से क्लियर रहा, समझ में आया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. काइंडली डोंट फॉरगेट टू लाइक द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. Thank you so much once again for watching the video and have a nice day.